यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे को प्यार करने वालों का दिन जो है सभी जानते हैं इस नाम से और साथ ही मानते भी हैं। तो ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि वैलेंटाइंस डे है, प्यार करने का दिन है, तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं तो उनको कैसे सुधारा जाए। आज इस विशेष दिन क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए और कैसे जो है इस प्यार को बढ़ाना चाहिए, इस सब के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आचार्य नमो नारायण जी, जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज वैलेंटाइंस डे के दिन खास तौर पर क्या कुछ करना चाहिए। नारायण जी, आज वैलेंटाइंस डे है तो प्यार करने वालों का दिन जो है इसको माना जाता है, ऐसे में रिश्तों को सुधार करने के लिए आज के दिन प्यार और बढ़े, इसके लिए क्या कुछ खास जो है पति पत्नी को करना चाहिए? नमो नारायण जी। मित्रों, बात करेंगे आज जो वैलेंटाइन डे के ऊपर आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे पति पत्नी के बीच में संबंध और गहरे हों। सबसे पहले आपने करना है, आज पति पत्नी दोनों ने मिलकर के राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में जाना है और सफ़ेद रंग की बर्फ़ी, मावे की बर्फ़ी या आपका वाइट कलर का मावा या कुछ भी आप सफ़ेद रंग का बर्फ़ी जो होगा उसे आपने भगवान को भोग लगा करके गरीबों में बांट देना है। ये जितनी आपकी श्रद्धा है, 400 ग्राम लीजिएगा मिनिमम, उसके ऊपर आपकी इच्छा तो आप 1 किलो 2 किलो जितना भी आप बांटना चाहें। सफ़ेद रंग के रसगुल्ले बांट सकते हैं, वाइट स्पंजी रसगुल्ले बांटिएगा तो उससे भी शुक्र बहुत अच्छा होता है, दोनों के बीच का जो वैलेंटाइन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों, मैं कहूंगा कि जिसके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, जहां पति पत्नी के संबंधों में रिलेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, वहां पे आज के दिन आप क्या खास उपाय करेंगे, जो व्हाइट कलर के पक्षी मिलेंगे आपको, लव बर्ड्स जिसे बोलते हैं, लव बर्ड्स की मूर्ति मिल जाती है पत्थर की बनी हुई या आपको बहुत सारी अलग अलग धातुओं में बनी हुई, अगर व्हाइट कलर के हों तो अच्छी बात है, नहीं तो लव बर्ड्स किसी भी कलर में हों, एक जैसे होते हैं सेम, उन दोनों को आपने अपने बेडरूम के अंदर जरूर रखिएगा, उससे भी आपके आपसी प्यार के रिश्तों में बहुत ज़्यादा मजबूती बनती है। तीसरा दोस्तों, आज के दिन आपके बेडरूम में बहुत साफ सफाई रखिएगा, बहुत परफ्यूम छिड़क के पूरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखिएगा घर का, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। तीसरा, लाल रंग और गुलाबी रंग के कर्टन, लाल रंग और गुलाबी रंग की चद्दर बेडरूम के अंदर अगर आज के दिन लगा के रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। अगर रिश्तों में कड़वाहट बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप ये दो कलर के आप सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए बेडरूम के अंदर, जिसमें आपके कर्टन्स हो गए, आपके पिल्लो के कलर हो गए, बेडरूम की चद्दर हो गई, और खुद भी अगर आप पसंद करती हैं या आप करते हैं तो रेड या आपका गुलाबी रंग का जो कलर है उसे आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कीजिए। तो ये छोटे छोटे उपाय यदि आज के दिन आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा, अगर कड़वाहट ज़्यादा हो रही है जीवन में और एक दूसरे को देखने का भी दिल नहीं कर रहा हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा कि आपके बेडरूम के अंदर पानी की, वाटर से जुड़ी हुई कोई भी पिक्चर नहीं होनी चाहिए, जो बहता हुआ पानी है या वाटर की तस्वीर आपके बेडरूम में गलती से भी मत लगाइएगा, अगर है तो उसे हटा दीजिएगा। आपके जो ये आपके, अगर एक चीज और है, अगर मैंने कहा अभी कड़वाहट ज्यादा आ रही है जीवन में, तो एक छोटा सा उपाय है, विंड चाइम ले लीजिएगा, सेरामिक विंड चाइम होती है, सेरामिक विंड चाइम आप किसी भी शॉप से जाकर के विंड चाइम अपने बेडरूम में लगाइए, गेट के दरवाजे पे लगाइए, वो विंड चाइम की जब आवाज आएगी हल्की हल्की उससे भी प्यार की वृद्धि होगी, आपसी रिश्ते मजबूत होंगे आपके। जी अवंतिका जी, चलिए क्या करना चाहिए ये भी बताया, क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताया, कि पानी से संबंधित जो तस्वीर है वो नहीं लगानी चाहिए, और ऐसे ही कुछ उपाय आपको बताए हैं, अगर आप वो करेंगे आज तो आपके बीच में जो रिश्ते हैं वो और जो है मजबूत होंगे, उनमें प्यार और बढ़ेगा, क्योंकि खास मौका है वैलेंटाइंस डे का। लेकिन नारायण जी ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन लाल रंग का जो महत्व जो दिया जाता है उसका कितना प्रभाव होता है जी? लाल रंग देवी जी, देखिए लाल रंग क्या रिश्तों को जोड़ने वाला है, एक तरफ तो लाल रंग को डेंजर बताया गया है, लेकिन शास्त्रों में लाल रंग बहुत शुभ बताया गया है। जो लाल रंग डेंजर्स की जो कला जहां से आई है वो तो हमारे जिसके जब हमारे अंग्रेज आए या जो हमारे बहुत सारे लोग आए, क्योंकि उन्होंने कहा लाल रंग दूर से दिखता है, तो लाल रंग का जैसे अब ट्रेन है, ट्रेन में भी रेड कलर का आप झंडा दिखा देते हैं तो ट्रेन रुक जाती है, लेकिन ट्रेन लाल रंग हमारे ब्लड का है, लाल रंग तो बहुत सारे मंगल ग्रह का भी लाल रंग है, शुक्र को लव को अट्रैक्ट करने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई कलर है वो है रेड कलर, तो रेड कलर की बहुत बड़ी भूमिका है। रेड कलर यदि आज के दिन आप पहनती हैं, रेड कलर आज अपने पति को आप गिफ्ट करती हैं, पति आपको कोई रेड कलर का गिफ्ट करते हैं आज के दिन, वो भी बहुत अच्छा, अगर आपकी राशि में रेड अच्छा नहीं है एक अलग बात है, पर जनरली रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन हो जाए, रेड व्हाइट और पिंक कलर का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो प्यार को बढ़ाने वाला होता है, प्यार में जोश भरने वाला होता है लाल रंग, तो लाल रंग बड़ा शुभ है, हमारे शास्त्रों में काफी जगह लाल रंग का परहेज बताया गया, बहुत अच्छा मतलब अच्छा बताया गया, शुभ बताया गया है। और दूसरा दोस्तों, एक रोज क्वार्ट्स पत्थर होता है, रोज क्वार्ट्स
क्या बोलते हैं रोज क्वार्ट्ज, ये क्या आपका गुलाब के जैसे रंग इसका होगा, गुलाब का जैसे फूल होगा वैसा हल्के रंग का होगा, बहुत शानदार पत्थर है। अगर पति पत्नी में अट्रैक्शन ना हो या आपका जो प्यार है जो आपका क्रश है आपकी तरफ नहीं झुक पा रहा हो तो आपने क्या करना, रोज क्वार्ट्ज आज के दिन पहन लेंगे। रोज क्वार्ट्ज के आप पत्थर हाथ में पहन सकते हैं, लॉकेट बना के गले में पहन सकते हैं, इससे आपकी अट्रैक्शन मजबूत हो जाएगी और दोनों के बीच में प्यार जो है ना, देखिएगा रिजल्ट मिलेंगे बड़े शानदार, आप करके देखिएगा बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। चलिए ये उपाय अगर आप करेंगे आप आज के दिन, क्योंकि वैलेंटाइंस डे का खास मौका है, प्यार करने वालों का दिन है, तो ऐसे में अगर आप अपने प्रेम संबंधों को सही करना चाहते हैं तो इस दिन ये उपाय आप जाहिर तौर पर कर सकते हैं, इससे आपको जो है फायदा जो है वो मिलेगा जी। इसके साथ ही आप कोई और यहाँ पर उपाय विशेष बताना चाहेंगे? विशेष रूप से अवंतिका जी कहूंगा कि जितने भी हम उपाय बताते हैं इसे आप मिसयूज मत कीजिएगा, ये है पति पत्नी के प्यार को बढ़ाने वाला, भाई बहन के प्रेम को बढ़ाने वाला। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि नारायण जी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पटानी है, मुझे एक लड़की पटानी है, उसके लिए उपाय बताएं। दोस्तों ये गलत है, ऐसा हम जबरदस्ती कोई उपाय नहीं कर सकते, जबरदस्ती ना ही करना चाहिए, अगर ऐसा आप करते हैं तो वो गलत होगा। आपने जो उपाय बताए जा रहे हैं सिर्फ आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए है, पति पत्नी भाई बहन दोस्त पिता पुत्र आपस में जो हमारे संबंध है इन्हें मजबूत करने के लिए वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और आज वैलेंटाइन के दिन जो मैंने बताया श्री कृष्ण भगवान के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर जो आप सफेद रंग की चीजें चढ़ा करके भगवान को बांटेंगे ये सबसे बेस्ट उपाय है, और कुछ हो ना हो ये तो आप कर ही लीजिएगा। चलिए आज के दिन ये खास उपाय आप करें, दुरुपयोग इनका जाहिर तौर पर ना करें, और साथ ही अगर आज के दिन आप ये उपाय करना चाहते हैं, अपने प्रेम संबंधों को सुधारना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर आपको इनसे लाभ होगा। और इसी के साथ वैलेंटाइंस डे का दिन है तो उम्मीद यही कि आप सबके जीवन में प्यार एक बार फिर से रंग लाए। नमो नारायण जी। नमो नारायण जी।